तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो बहुत सारे दिनों से हम बैटल्स पे बैटल कर रहे हैं, प्लास्टिक जनरेशन, मेटल फाइट और कुछ कुछ अलग अलग जनरेशन जैसे कि HMS। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो यार मैं मेरा रूम साफ कर रहा था आज, और उसमें मुझे ये बेबलेट मिला। और इस बेबलेट को यार ना मैं बेच सकता हूँ और ना इसका कुछ ऐसे रख के फायदा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अनबॉक्स किया जाए। तो यार इस बेब्लेड का नाम है रॉक जराफा। और ये बेब्लेड ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि ये टशायन का या दशायन का बेब्लेड, जिसका भी उसका जो भी नाम है, दशायन, टशायन तो नहीं है, दशायन, दशायन, शायन, 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 ऐसे कुछ है उसका नाम, जो कि है वैंग वोंग हुशोंग या वैंग हुशोंग, जो भी उसका चाइना के टीम का कप्तान है ये भैया, हमारे दशायन भैया। और इसका बेब्लेड है रॉक जराफा R145, जो कि रबर 145 है। और यहाँ पे है WB, जो कि वाइट बॉल है। तो बेब्लेड के पार्ट्स बहुत ही स्टैंडर्ड है, बट हाँ इस बेब्लेड का वैल्यू काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हो लीडर का बेब्लेड है। मतलब भाई साहब इतने भी कुछ खास नहीं थे, बट है यार बंदा तो सही था। तो यार चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मतलब पसंद था मुझे ये बंदा, आई मीन जिंदा है वो। मुझे चाहिए था कि ये मेटल फ्यूरी में भी आए, बट सैडली इसका ऐसे कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे गाइस कुछ नहीं है यहाँ पे बॉक्स में। यार बॉक्स के पीछे यहाँ पे फेस बोल्ट है, ये इसको क्लियर व्हील बोलते हैं, फ्यूजन व्हील, स्पिन ट्रैक और परफॉर्मेंस टिप। तो यार यहाँ पे ये एक बूस्टर बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें देखने नहीं मिलती। लेकिन 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 कलेक्शन वाइज ये बेब्लेड काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास NIB है नहीं, तो मैंने सोचा यार अनबॉक्स कर लेते हैं इसको, मज़ा आ जाएगा। तो आपको भी अनबॉक्सिंग में थोड़ा फार मज़ा आता है, मैंने देखा है लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। और वैसे भी बेब्लेड एक्स आने को टाइम है, ऑफिशियल रिलीज बेब्लेड एक्स का July 10 है। तो जैसे ही July 10 को रिलीज होता है, उसके बाद मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि एक 15-20 दिन में बेब्लेड एक्स भी मैं लेके आ जाऊँ इंडिया में, मेरे लिए ऑब्वियसली, सेलिंग के लिए नहीं। अभी तो यार सेलिंग वेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, अपने लिए और चैनल के लिए। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स है, और बाकी यहाँ पे ये परफॉर्मेंस टिप और ये जो R145 स्पिन ट्रैक है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्पिन ट्रैक है। यार देखना है कि ये रबर है कि क्या है, एक्चुअली लिखा तो रबर है। यार ये बॉक्स वाला जो पैकिंग है, अब एक सेकेंड यार, इसमें आपको कोड दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, ये क्या है? I2LL है या I है? L2110। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा फोकस मिल जाए, ये मेरे हिसाब से तो L2110 है। तो L2110 अगर मेरे हिसाब से फेक तो नहीं है, ये मिड फेक नहीं है, तो ये ओरिजिनल ही है मेरे हिसाब से। तो यार पता नहीं, लोगों को आजकल बहुत चुल मची रहती है मिड फेक और इसमें। यहाँ पे यार आपको ये स्टैंडर्ड टूल मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये गई स्टिकर शीट है, तो टकारा टॉमी हमेशा ये स्टिकर शीट देता है, जो कि बेब्लेड की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वो एक मस्त बात होती है यार, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। तो यार चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं। ये है रॉक व्हील। रॉक व्हील तो यार बहुत ही स्टैंडर्ड सा व्हील है, इसमें मतलब कुछ भी अलग नहीं है। बेब्लेड के हिसाब से अगर इस व्हील के बारे में बात किया जाए, तो काफ़ी अच्छा व्हील है अटैक के लिए, क्योंकि ये रिकॉइल बहुत जनरेट करता है। लगता नहीं है, बट हाँ ये रिकॉइल बहुत ज़्यादा रिकॉइल जनरेट करता है। ये है जराफा क्लियर व्हील। यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक ओवल शेप्ड डिज़ाइन है और यहाँ पे 2 स्पाइक्स है। तो ओवरऑल अगर आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। और ओवरऑल कोई भी कॉम्बिनेशंस में जराफा क्लियर व्हील यूज़ करना, ये कोई सेंसिबल बात बनती तो नहीं है। ये है फेस बोल्ट, जो कि एक क्लियर फेस बोल्ट है विथ जराफा एम्बलम, बहुत मस्त है। मुझे ये फेस बोल्ट काफ़ी पसंद है, एक्चुअली पसंद है। और ये है R145, जो कि सेपरेट होता है क्या? नहीं, तो गाइज ये अटैच्ड है यहाँ पे, अगर मैं कोशिश करूँ तो नहीं 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 टूट फूट जाएगा। तो यार ये है रबर 145, तो ये रबर लग रहा है, मतलब है थोड़ा सा रबर टाइप, हार्ड प्लास्टिक काइंड ऑफ रबर है।
और फाइनली ये है वाइट बॉल। वाइट बॉल तो यार एक क्या बोलते हैं, एक सादा सा डिफेंस एंड थोड़ा स्टैमिना टाइप टिप है, उसके अलावा तो उसमें कुछ भी सही सा या खास सा है नहीं। तो यार चलिए वेवलेट को असेंबल कर लेते हैं और इसके साथ बैटल नहीं करेंगे, बैटल करने के लिए हमारा रॉक जराफा अलग है। इस वाले को हम अच्छे से सजा के रखेंगे हमारे एक कंपार्टमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्योंकि ये है टशायन का वेवलेट। और भाई ये स्टिकर्स लगते कहाँ हैं पता नहीं यार, वीडियो में फिगर आउट कर लेते हैं कि ये स्टिकर्स लगते कहाँ हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये क्लियर व्हील निकाल लिया, ये निकाल लिया, अरे यार इसमें देखते हैं। ओ तो यार यहाँ पे ये स्टिकर्स लगते, कोशिश करके देखते हैं ये स्टिकर्स लगाने की। कहाँ, यहाँ। ओ भाई बहुत ही कठिन कठिन काम है ये। यहाँ पे ये स्टिकर लगेगा क्या पता नहीं, कोशिश करके देखते हैं यार, एक बार तो कोशिश करनी है मुझे, फिर उसके बाद नहीं तो नहीं, छोड़ो जाने दो। ओके यार आप भी देखो ये चीज को, मतलब काफी कठिन। ओहो भाई चिपक गया क्या। हाँ ओके, तो यार एक स्टिकर लग गया, दूसरा तीसरा भी लगा देता हूँ। पता नहीं ये स्टिकर से एक अच्छा सा फील आता है यार वेवलेट पे, मतलब एक बोलते हैं ना उसकी एक रौनक बढ़ जाती है वेवलेट की। और अगर आपको, आप कलेक्शन में रख रहे हो ना वेवलेट्स को, तो आप डेफिनेटली फिर स्टिकर्स लगाओ। काफी लोग खाली कलेक्शन में रखते हैं, तो वो तो यार काफी मूर्खता वाली बात है। बट मतलब हाँ एकदम ही हाई वैल्यू वेबलेट है, जैसे कि अभी ड्रॉन्जर, ये ब्लैक ड्रॉन्जर है मेरा, तो उसको मैं अभी तो नहीं लड़वाऊंगा ना, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। उतने तो मेरे ओवरऑल सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो फिर उस हिसाब से उसके वैल्यू से ज़्यादा है मेरे सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल लाइक उसका उतना मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना सब्सक्राइबर्स का, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तो यार तीन लग गए, बाकी कहाँ है बता दो यार। स्टिकर स्टिकर शीट कहाँ लगती, कहाँ है यार। यार इसको पता नहीं यार, एक बार सोच देख लेते हैं एक सेकंड। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शनो मैनुअलू है भी है, इंस्ट्रक्शनो मैनुअलू। ओके तो गाइस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में अगर हमारे पास पार्ट नंबरिंग है 1 2, तो कहाँ पे इसको, ये कहाँ है 3 पे, तो यार 3 पार्ट का नंबर कहाँ है। अच्छा यार यहाँ पे दिया है, ओके तो ये इस पे जाएगा। हाँ एक सेकेंड, कोशिश करते हैं। हाँ ओके तो यार कोशिश कर लेते हैं, वीडियो में ही कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम पास हो रहा है पता है मुझे। आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं उसमें। ऑब्वियस है सबको ये चीज़ नहीं पसंद आएगी, मैं टाइम पास के लिए थोड़ा फर्क कर रहा हूँ। अरे भाई 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 चढ़ गया वो उस पे। हाँ कठिन कठिन है, बहुत कठिन काम है। ऑफ कैमरा ही लगाना पड़ेगा मेरे को। वाह लग गया, एक तो लग गया, ये देखिए गाइस एक लग गया और दूसरा भी लगा लेते हैं। रॉक जराफा ओवरऑल मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा सा बेबलेट है, मतलब इसमें कुछ ऐसे खास नहीं है जैसे कि मैंने कहा, बट ये टशायन दशायन ये जो भी इसका नाम है, दशावतार उसका बेबलेट है, और उसकी वजह से इसमें एक अच्छी सी बोलते हैं ना उसको, एक सिंपथेटिक नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। हाँ नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। तो यहाँ पे गाइस बेबलेट को असेंबल कर लेते हैं और इसी के साथ गाइज हमारा रॉक जराफा रेडी है। तो आज गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।